भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ किसी का दबाव वबाव नहीं चलता है। प्रेशर है, मुझ पर दबाव है कि हम भावी पीढ़ी को कैसी पृथ्वी देना चाहते हैं, जो जन्मे भी नहीं है लेकिन उनके उज्जवल भविष्य की चिंता मुझे सताती रही है और इसलिए आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम मैं कर रहा हूं। भारत एक स्वतंत्र देश है, उस पर न किसी देश का न किसी व्यक्ति का प्रेशर काम आता है। ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव वबाव नहीं चलता है। प्रेशर है, मुझ पर दबाव है। प्रेशर इस बात का है कि हम भावी पीढ़ी को कैसी पृथ्वी देना चाहते हैं। मुझ पर दबाव है और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का, उनके सब जो जन्मे भी नहीं है लेकिन उनके उज्जवल भविष्य की चिंता मुझे सताती रही है और इसलिए आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम मैं कर रहा हूं। Mr. Prime Minister, I wanted to go back to climate change. White House officials have said that the recent U.S., that they hope that the recent U.S.-China agreement can spur countries like India to make similar commitments to cut emissions. I'm wondering if you feel any pressure to take that kind of action because of the China agreement. And can a Paris climate summit produce a substantial result without that type of commitment from India? चीन और अमेरिका का जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में समझौता हुआ है, उसका भारत पर कोई प्रेशर है क्या? भारत एक स्वतंत्र देश है, उस पर न किसी देश का न किसी व्यक्ति का प्रेशर काम आता है। लेकिन प्रेशर है, प्रेशर इस बात का है कि हम भावी पीढ़ी को कैसी पृथ्वी देना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा प्रेशर है, ग्लोबल वार्मिंग इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा प्रेशर है, और जिसके भी दिल में भावी पीढ़ी के लिए चिंता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंता है, उनका ये दायित्व बनता है कि वे आज इस क्लाइमेट के संबंध में कॉन्शियस बने, उन रीति नीतियों को अपनाएं ताकि हम भावी पीढ़ी को एक अच्छी जिंदगी दे सके, अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। और मैं मानता हूं ये प्रेशर हर देश पे होना चाहिए, हर सरकार पर होना चाहिए, हर व्यक्ति पर होना चाहिए, और उसी प्रेशर को हम समझ पाते हैं और उसी को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुझे याद है एक बार राष्ट्रपति ओबामा यहां पर टूर, भारत में उनका प्रवास था, बायलेटरल विजिट के लिए आए थे, तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। तो किसी पत्रकार महोदय ने पूछा, क्योंकि उस समय चल रहा था, लोग भांति भांति ये सारे आंकड़े घोषित करते रहते, ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है, यहां किसी का दबाव वबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा था, कहा मुझ पर दबाव है और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का, उनके सब जो जन्मे भी नहीं है लेकिन उनके उज्जवल भविष्य की चिंता मुझे सताती रही है और इसलिए आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम मैं कर रहा हूं। और आज भी ये समिट हमारे बाद
दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। उतना बड़ा काम करने के लिए आप यहाँ आए हैं, महात्मा गांधी के नाम पर बने इस महात्मा मंदिर में आए हैं। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।